टैकमंडर की वीडियो जो कि होती है काफी मजेदार। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज है 5 जैन और 6:35 हो रहे हैं, तो आज का यह ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से, क्योंकि सुबह से मेरा ब्लॉग शूट करने का मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी। एक तो इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, मैं देखो कैप वैप लगा के बैठा हूँ, और फिलहाल अभी स्टडी चल रही है तो स्टडी कर रहा था इतनी देर से। बाकी तो सुबह वही ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं आया था मेडिकल पे, और दोपहर लंच करने गया, उसके बाद अपने कस्टमर वगैरह हैंडल करें, और अभी मैं स्टडी कर रहा था काफ़ी देर से, तो थोड़ा ब्रेक लेते हैं और घूम के आते हैं बाहर। फिलहाल मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। 3 hours later तो अभी मैं घर पर हूँ और 9:50 हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया मुझे शॉप से आए हुए, बट शूट मैं अब कर रहा हूँ। मोना यहाँ डिनर रेडी कर, अभी मैं गिरते गिरते बच गया, और डिनर में है गाजर आलू दोपहर के, ये तवे पे दाल थी गायब हो गई, और बैगन आलू अभी बनाए, मुझे क्या पता कहाँ गायब हो गई ना, मम्मी को धक्का लग गया। देखो तो डिनर के साथ साथ हम देखेंगे टैकमंडर की वीडियो जो कि होती है काफी मजेदार। ट्राई करने वाले जब हम गैजेटों की बात करते हैं उल्टे सीधे ऊपर नीचे। मोना अकेले अकेले पहले जा रही है डिनर, बोलते ही था तो किसने रोका, खाओ ना, दबा के खाओ, तुम 8 रोटी खाओ, 8 रोटी का तो खा लूंगी। तो डिनर भी हो गया, अब चलते हैं ऊपर अपने कमरे में, कुछ तो पानी करना है। आज बहुत दिनों के बाद आया हूँ अपने रूम में ऊपर, और हालत तो ठीक ठाक हो रही है चारों तरफ, और ये देखो मैंने वॉच भी टांग दी थी और इसमें सेल भी डाल दिया और चल भी रही है, लेकिन इसकी आवाज़ सुनो, थोड़ी इरिटेटिंग सी है लेकिन काम बन जाएगा अपना। A few moments later इस घड़ी की मुझे टिक टिक इतनी डिस्टर्ब कर रही है ना, टिक 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 टिक, वो यहाँ लग रहा है हर एक उसका टिकना है, यहाँ टिक टिक टिक, देखो सुनो, काफ़ी डिस्टर्बिंग सी वॉइस है। मैंने जब आई थी ना तब चेक नहीं करा, और जब मैंने सेल डाला ना उसके बाद मैं एकदम चला गया था कई बार, और अब मैंने चेक करा तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग सा लग रहा है। मज़ा नहीं आया, फ्लॉप। फिलहाल आप लोगों को बताता हूँ एक बात कि जिस चीज़ की मैं तैयारी कर रहा हूँ तो उसका एग्ज़ाम आने वाला है बहुत ही जल्दी, मेरे को अंदाज़ा नहीं है कब, बट बहुत ही जल्दी ऐसा मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसकी मुझे दुगनी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, तो इसलिए अब मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उधर ही रहेगा अपने स्टडी पर। ओके, क्योंकि वही मेरे लिए ज़्यादा, मैंने यूट्यूब तो ऐसे ही बस टाइम पास, ओके तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा, तो बीच बीच में वीडियो नहीं भी आएगी कोई बात नहीं, बट वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो बस यही बताना था। तो अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि यहाँ पर बैठना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई, लिटरली हवा आ रही है इधर से, फील हो रहा है ठंडा ठंडा, जैसे कोई पानी डालता हो ना ऐसा, धीरे धीरे हवा आ रही है। सोचो नीचे इतनी ठंड होती है, तो यहाँ तो ऊपर है और बाहर का रूम तो कितना ठंडा हो रहा होगा, इसलिए नीचे जाना भी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे तो तबीयत 100% बिगड़नी है। नीचे चलते हैं, वहीं मैं स्टडी करूँगा और एडिटिंग भी वहीं कर लूँगा, फिलहाल नीचे चलते हैं। क्या चल रहा है? रोटी फुला के दिखा रहा है वो, उसको कैसे फूलती है? नहीं मैं बताऊँ, इनकी थी तबीयत ख़राब, तो डॉक्टर ने तला भुना खाने को मना कर दिया, अब मोबाइल में देख देख के मन भर रही हैं कि ठेले पे क्या क्या मिलता है, बहुत बढ़िया। यही रीज़न है? यही रीज़न है तुम्हारा मुंह में पानी आ रहा है? ऐसा कुछ ना, खाने होते तो खा लेती है भाई, भैंस ही खा लेती। मम्मी कह रही थी
आलू मतलब आलू घिस के ना बेसन में सब्जी बना लियो, मुझे तल के आप लोगों को तो अब मेरा मन करता था मैं बना सकती थी, मम्मी ने कहा था तो फिर भी नहीं बनाया मैंने, पर अब मैं कल शाम को बनाऊंगा जब तक तबीयत ठीक हो जाएगी बिल्कुल। सही कह रही हूँ, उसके बाद तो खाई सकती कल तक ठीक हो जाएगी। और क्या, किसने बताया? मैंने, ये तो तबीयत को भी नहीं पता कब ठीक होंगी मैं। तो अपन यहाँ बैठ के करेंगे स्टडी, इस गुड्डे को फेंको, इधर ही फेंक दो, इधर ही फेंक दो, इसको ठंड नहीं लगती, ये ऑलरेडी इतना फॉर्म है इसमें, इसको अंदर से कितना गर्म रहता होगा यह बहुत ज़्यादा, इसको क्या ठंड लगेगी भाई बताओ, क्यों ना लगेगी, ठंड ना लगेगी इसको, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी, उसे सबसे ज्यादा ठंड लग रही है, तुमने भी डाल रखा, ये खुद अपने आप में एक कपड़ा है, गरम है, ये ऊनी है, बुलन है, कोई सेंस है इस बात ये बना ही ऐसा है, कैसा? ऐसा ऐसा निर्जीव जीव सजीव टैडी टैडी, मतलब इनकी लोगों ने देख रखा है ऐसे ही बनाएंगे इसको, मतलब इनकी एक फैमिली है, मतलब इस पर जाती है सारे, ऐसे जैसे इंसान है ऐसे होते हैं ना, ये इंसान है, मतलब लोगों ने सोच रखा है सारे टैडी ऐसे ही बनेंगे, अलग अलग थोड़ा ना है, सब इसी तरीके के होते हैं, अलग अलग थोड़ा होता है, ये मुझे लग रहा है ये भालू को कॉपी करके बनाया है, कुछ बिल्ली के कॉपी होते हैं, कुछ शेर के कॉपी होते हैं, मतलब जानवरों को कॉपी करके बनाया है, फेवी क्विक, मेरी गाड़ी का इंडिकेटर टूट गया ना, मैं सोच रहा हूँ उसे चिपका लूँगा बाइक का, लेकिन सुबह चिपकाऊँगा मैं बाइक का, सुबह चिपकाऊँगा, सुबह कैसे गिरा नहीं तुमने, सुबह 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 अपने आप ही टूट गया, अपने आप ही क्या बना दी, चिप्स बना दी, चिप्स दे दो, हम बनाएंगे, ये देखो आलू गया, कितना बढ़िया तरीका है, तो मशीन है, मशीन ये मशीन भी बना रखी है ना खुद ही, मिलते हैं ये हाथ से कैसे बना लगी वैसी है, ये देखिए भुट्टा, अरे चिप्स है चिप्स, अब इसको तल देंगे, ये तेल है, ये तो बढ़िया आइटम है, चिप्स है चिप्स, आलू के बन गए ना, तो ना टेस्टी देखने में, ये लगा मसाला, ये क्या डाला, वो वाइट वाली क्रीम नहीं होती है, मेयोनीज सॉस, और ऐसे ही खा लेंगे इसको, और क्या, वेरी गुड, कितनी मेहनत से उन्होंने बनाया, तो अभी अभी मैंने अपनी दूसरी चैनल की वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट की है, और 10:55 हो चुके हैं, और हमारी चाय भी आ चुकी है, तुम पर्दे के पीछे क्यों छुप रहे हो भाई, मैं चाय ना दिखाना चाहती अपनी, क्यों क्यों नहीं दिखाना चाहती, चाय अच्छी नहीं बनी, सब चाय मत दिखाओ, तुम तो दिख जाओ, मैं चाय बेकार नहीं, मैं चाय बढ़िया बनी है, कलर तो अच्छा लग रहा है, अब टेस्ट करके देखते हैं कैसी बनी है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, लेकिन टेस्ट में अच्छी है, बहुत बहुत तो नहीं आ सकते, मतलब ठीक ठाक है, बहुत का टाइम मतलब देना लगाएगा, और खाने के लिए पापे भी निकाल लो ना, मतलब पापे पहन कुछ भी, फिलहाल मैं चाय फिनिश करता हूँ, और उसके बाद दोबारा थोड़ी सी एडिटिंग बची है वो कंप्लीट करूँगा, ठीक है, और उसके बाद करेंगे अपन स्टडी, दो दो ऑप्शंस है हमारे पास, पापे खाने या फैन खाने, तो हम कुछ भी खा सकते हैं अभी, आज पापा खिला दो तुम, पापा नहीं रश, पापा वैसे तो इधर रश बोलते हैं, लेकिन पापे भी बोल लेते हैं, हमारी लोकल लैंग्वेज जैसे पापे बोलते हैं, वैसे रश ही बोलते हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश से इंग्लिश कहीं पहाड़ में, हम तो हिंदी में बोलेंगे, हम तो पापे ही बोलते हैं, ठीक है, और फिनिश करते हैं जल्दी चाय, तो हमने ये बीच में खाना बंद कर दिए थे, और अब काफ़ी टाइम बाद, मतलब 3-2.5 साल बाद
अब दोबारा खाना स्टार्ट करें और इसकी एक खास बात बताता हूँ मैं आपको। तो जब हम इसे चाय में डिप करते हैं तो कप की आधी चाय गायब हो जाती है एक ही बार में। लेकिन ये इसी तरीके से टेस्टी लगते हैं। देखो कितनी चाय गायब हो गई। अगर आप दो पापे टिप कर लो ना इसमें, पूरा कप की चाय साफ हो जाएगी आपकी। कुछ भी फिलहाल थोड़ी देर में मिलते हैं। वीडियो एडिट हो चुकी है पूरी तरीके से और 12:06 हो चुके हैं। मोना सो चुकी है फिलहाल, मुझे अभी नहीं सोना है। अभी ब्लॉगिंग वाली वीडियो की एडिटिंग करते हैं और सुबह टाइम पे आ जाएगा ब्लॉग, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है। और हाँ, जो मैंने वीडियो एडिट करी है वो दूसरे चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो देख लीजिएगा वो वीडियो किस बारे में, किस तरीके का चैनल है। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है कंप्लीट और 1:20 हो गया। पूरा 1.5 लग गया एडिटिंग करने में। ज़्यादा बड़ा ब्लॉक तो नहीं था, लेकिन एडिटिंग मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करता जा रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लग जाता है अभी मुझे। अभी उतनी प्रैक्टिस नहीं है, ओके, बिगनर ही हूँ। ओके, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगी प्रैक्टिस। और जो होता है ना एक नेचुरल सिनेमैटिक परफेक्शन, वो भी धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो जल्दी हो जाएगा। फिलहाल अब एडिटिंग हो गई कंप्लीट, तो अब मैं सोऊंगा और सुबह को उठना है, जल्दी जल्दी उठ के करनी है स्टडी। तो इस ब्लॉग का यही करता हूँ एंड आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।